Hello friends, today I am going to take a lecture on biochemical composition of cells, जो कि हमारी एक सीरीज चल रही थी उसमें सेकेंड है लिपिड्स। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स पे एक लेक्चर लिया था। अब इसी में जो बायो मॉलिक्यूल्स जो इसमें सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसमें अगले जो मेजर प्रीडोमिनेंटली पाए जाते हैं वो हैं लिपिड्स। तो लिपिड्स से हम शुरुआत करते हैं। व्हाट आर द लिपिड्स? लिपिड्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और दे आर इनसॉल्युबल और पुअरली सॉल्युबल इन वाटर। दे आर सॉल्युबल इन लाइक ईस्टर, बेंजीन, नॉन पोलर। बेसिकली नॉन पोलर जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें, नॉन पोलर सब्सटेंस में लिपिड सॉल्युबल होते हैं। और जनरली ये जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और न्यूक्लिक एसिड है, ये दीज आर द पॉलीमर्स। तो ये पॉलीमर्स नहीं होते लिपिड्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, तो पॉलीसेक्राइड्स एक मोनोसेक्राइड्स की चेन्स होती है, उसमें पॉलीमर होते हैं। इसी तरह से प्रोटीन अमीनो एसिड्स से मिलकर बने होते हैं, पॉलीमर होते हैं। ये जो हैं लिपिड्स, ये पॉलीमर नहीं होते। तो जनरली इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, अलग अलग डिफरेंट ये रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में और सेल्स में। तो क्या फंक्शंस हैं इनके? सबसे पहले, दीज आर एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज। ये एक एनर्जी की एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है सेल में, जो ज़रूरत पड़ने पर सेल हमारा यूटिलाइज करता है। दूसरा, दे आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये जो है सेल मेम्ब्रेन का एक मेजर कंपोनेंट है। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। तो इनमें जो लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स हैं, वो प्रीडोमिनेंटली उसमें पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स से मिलकर बनी होती है। थर्ड है इसका इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग में ये रोल प्ले करते हैं। फोर्थ है सर एज ए ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल। ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करते हैं। और इसमें जो मेजर सबसे इसका जो टाइप्स हैं, ये कई टाइप्स के होते हैं फैटी एसिड्स। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे उससे शुरुआत करते हैं, वो है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या है? ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड है। ये सबसे सिंपल होते हैं और इनके जो है फैटी एसिड आर लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, 4 to 36 कार्बन लॉन्ग विद वन कार्बोक्सिल ग्रुप। तो फैटी एसिड एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होती है जिसमें सिर्फ एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है। एक एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है, दूसरे एंड पे मेथिल ग्रुप रहता है, बीच में एक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। द 16 एंड 18 कार्बन फैटी एसिड आर मोस्ट कॉमन। जो 16 और 18 कार्बन के फैटी एसिड होते हैं वो मोस्ट कॉमन है होते हैं। कौन कौन से? पॉलमिटेट और स्टियोरेट। ये 16 कार्बन का है, ये 18 कार्बन का है। इसमें एक और चीज़ है, ये एम्फीफैटिक बाय नेचर होते हैं। एम्फीफैटिक का मतलब ये है, जैसे आपने हाइड्रोफोबिक सुना होगा। हाइड्रोफोबिक कौन से? जो वाटर इनसॉल्युबल, नॉन पोलर, वाटर हीटिंग कंपाउंड जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। इसी तरह से हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, जो इजीली वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। पोलर्स आयन, जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो हाइड्रोफिलिक कहलाते हैं। एम्फीफैटिक उनको कहते हैं जो एज ए बोथ हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक वर्क करते हैं। तो ये एम्फीफैटिक बाई नेचर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके एक एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है, जो एक आपका एज ए पोलर मॉलिक्यूल है, एज ए पोलर वर्क करता है। और दूसरे एंड पे जो मेथिल ग्रुप है, ये आपका नॉन पोलर वर्क करता है। तो एक एंड जो है इनका पोलर होता है, एक एंड नॉन पोलर होता है। तो इसलिए इन्हें एम्फीफैटिक बाय नेचर इन्हें इसलिए कहा जाता है। दूसरे, ये जनरली फैटी एसिड दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो फैटी एसिड जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, हैव नो डबल बॉन्ड्स इन द चेन।
ये सिंपल होते हैं, इनमें कोई मतलब डबल बॉन्ड्स नहीं होता, एक लीनियर चेन होती है। जनरल फॉर्मूला CH3 CH2 CH2 पावर एन COH, एन जो है ये यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को रिप्रेजेंट करता है कि ये हाइड्रोकार्बन्स की कितनी लंबी चेन है। एग्जाम्पल लॉरिक, मिस्टेरिक, पॉलमेटिक, पॉलमेटिक का स्ट्रक्चर ये है। इसी तरह से अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है वन और मोर डबल बॉन्ड्स इन दैट चेन, उनमें एक या एक से ज्यादा जो है डबल बॉन्ड्स होते हैं चेन में, कॉल्ड मोनो अनसेचुरेटेड एंड पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। और इसी उसी हिसाब से मोनो अनसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहलाते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है, लिनोलिक एसिड, ओलिक एसिड। लिनोलिक एसिड इज ओमेगा 3 फैटी एसिड, आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड का नाम सुना होगा, तो लिनोलिक एसिड को ओमेगा 3 फैटी एसिड बोलते हैं। और ओलिक एसिड इज ओमेगा 9 फैटी एसिड, ओमेगा 9 जो है ये मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, लिनोलिक एसिड जो है ये पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। एक और होता है लिनोलिक एसिड, वो ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, वो भी पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। तो ये इसका जनरल एक स्ट्रक्चर है फैटी एसिड का, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोकार्बन्स की चेन है और लास्ट में मेथिल ग्रुप है। अब इसमें एक चीज है कि जो इसका सेकंड कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, थर्ड कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं और लास्ट वाले कार्बन को ओमेगा कार्बन बोलते हैं। ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है। इसमें एक चीज और है, इसकी जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है इसमें दो फॉर्म्स पाई होती है, सिस फॉर्म जो अनसेचुरेटेड पॉली, ये अनसेचुरेटेड की बात कर रहा हूँ मैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है ये इसमें दो फॉर्म्स होती हैं, सिस फॉर्म्स और ट्रांस फॉर्म्स। ये सिस फॉर्म है जो ऊपर स्ट्रक्चर, इसमें जो एच है ऊपर की साइड है, इसमें ये ट्विस्ट कर जाते हैं और ये रोटेट होके ये इस तरह से ट्रांसफॉर्म बन जाती है, ये ट्रांसफॉर्म है। इसीलिए इसको इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो नेमिंग होती है इसकी, लिनोलिक एसिड या ओलिक एसिड या जितने भी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हैं, तो इसमें शुरू में लिखा रहता है सिस या ट्रांस, कि सिस फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म है, तो वो इसलिए लिखा रहता है। दूसरे इसमें जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ट्राई एसिल ग्लिसरॉल। ट्राई एसिल ग्लिसरॉल क्या है, दीज आर द ट्राई एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये ट्राई एस्टर्स होते हैं, इनमें एस्टर बॉन्ड्स बनते हैं। एक चीज और है, जो हमारे लिपिड्स हैं उनमें जो बॉन्डिंग होती है उसको हम एस्टर बॉन्ड्स बोलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। इसमें जो है एस्टर बॉन्ड्स होते हैं और प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड कहलाते हैं। तो बॉन्ड्स बिटवीन कार्बोहाइड्रेट्स इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बॉन्ड्स बिटवीन लिपिड्स आर कॉल्ड एस्टर बॉन्ड्स, और बॉन्ड्स बिटवीन प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये एक पॉइंट है याद रखने का, एग्जाम्स में अक्सर आ जाता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ 3 फैटी एसिड एंड अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ये 3 फैटी एसिड्स और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ट्राई एसिल ग्लिसरॉल आर 2 टाइप, सिंपल एंड मिक्स्ड। अब ये सिंपल और मिक्स क्या है, जो जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये जनरल स्ट्रक्चर है ट्राई एसिल ग्लिसरॉल का, जैसे ये एक फैटी एसिड की चेन है, इसी तरह से जो एक ही टाइप का अगर फैटी एसिड प्रेजेंट है तो वो कहलाता है सिंपल ट्राई एसिल ग्लिसरॉल। ट्राई एसिल ग्लिसरॉल को हम ट्राई ग्लिसराइड्स भी बोलते हैं, बहुत से जैसे जो जिनका जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह के टेस्ट वगैरह कराते हैं उसमें ट्राइग्लिसराइड भी आपने देखा होगा ब्लड टेस्ट में, तो वो ट्राइग्लिसराइड यही है कि ट्राइग्लिसराइड कितने हैं। तो ट्राइग्लिसराइड ट्राइसिलग्लिसरॉल को बोलते हैं। अगर इसमें सिंपल टाइप है, एक ही टाइप के फैटी एसिड की चेन है तो सिंपल है, मिक्स्ड अगर एक पाल्मिटिक एसिड है फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पर स्टीरिक एसिड है, थर्ड नंबर पर कोई और सा है, मिक्स्ड है अलग अलग टाइप के हैं, तो वो मिक्स्ड ट्राइएसिल ग्लिसरॉल कहलाएंगे।
ये इसका स्ट्रक्चर है, ये R1, R2, R3 ये हाइड्रोकार्बन्स की चेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ट्राई एसिड ग्लिसरॉल आर नॉन पोलर इन नेचर, नॉन पोलर होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, फैटी एसिड चेन में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और इसमें जो फैटी एसिड की चेन होती है वो जरूरी नहीं है कि सैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड भी हो सकती है फैटी एसिड। अच्छा एक और चीज, फैट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो फैट्स जो हैं सॉलिड फॉर्म में रहते हैं रूम टेम्परेचर में, कैन ऑब्टेन अ लार्ज पोर्शन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो फैट्स हैं जो सॉलिड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स रहते हैं तो उनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लार्ज पोर्शन मौजूद हो सकता है। इसी तरह से ऑयल्स जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहते हैं उनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का लार्ज पोर्शन हो सकता है। एक और बात ये कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राई एसिड ग्लिसरॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड स्पोनिफिकेशन, सॉरी सेपोनिफिकेशन। हाइड्रोलाइज जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो रिएक्शन करते हैं तो इसका ये जो फैटी एसिड की सॉल्ट बनाता है उसको हम सोप बोलते हैं। तो सोप जो है और ग्लिसरॉल ये दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ट्राइसिल ग्लिसरॉल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू जो फ्री फैटी एसिड्स बनेगा उसे सोप बोलेंगे और ग्लिसरॉल एक बनेगा। तो ये एक प्रोसेस सोप बनाने की एक प्रोसेस है, सोप इसी ट्राइसिल ग्लिसरॉल का ही यूज होता है सोप बनाने में। तो ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके फैटी एसिड और ट्राइसिल ग्लिसरॉल। थैंक यू।